नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। देव महाकुंभ संपन्न हो गया है, देवी देवता अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन अब विधायक सुंदर ठाकुर ने एक बार फिर सरकार प्रशासन व शहरा कमेटी को आड़े हाथों लिया है। विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा है कि देवी देवताओं को जो नजराना नहीं दिया गया है वो एक बहुत बड़ी भूल है सरकार की, प्रशासन की और दशहरा कमेटी की। उन्होंने कहा कि ये एक रेगुलर प्रोसेस था, इसमें जो है आचार संहिता आड़े नहीं आती है। आप स्वयं देखिए क्या कहा विधायक सुंदर ठाकुर ने। मैं देख रहा था जब देवी देवता वापस गए तो बहुत निराशा देवी देवताओं के वो कारकुनों में थी, जो बाजा बजंतरी है, जो हमारे हारियान है, जिन्हें जो है जो दैनिक भत्ता मिलता था। अरे वो गरीब व्यक्ति जिसने गले में ढोल डाल रखा है, जिसने नरसिंगे को उठा रखा है, जिसने नगारे को अपने गले में डाल रखा है, जिसने नरकाल को लेकर कंधे पे कितने कितने किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं देवी देवता, वो बेचारे जो अपने परिवार के लिए कुछ मिठाई ले जाते थे उस जो भत्ता उन्हें मिलता था, आपने उन्हें पैसा नहीं दिया, कैसा लगेगा आपको? जब जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का वेतन बंद किया जाए आचार संहिता के वक़्त का, और उन्हें कहा जाए कि ना भत्ता मिलेगा ना भाड़ा मिलेगा, कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, और यही बात अगर प्रशासन के आला अफसरों के साथ हो, आपको कहा जाए कि आपको आचार संहिता के दौरान का कोई भाड़ा वेतन नहीं मिलेगा, तो कैसा लगेगा उन्हें? दशहरे में सभी की बाजा बजंतरियों की उम्मीद थी कि उन्हें जो दैनिक भत्ता मिलता और वो उसके साथ अपने बच्चों को मिठाई ले जाते, बच्चों को कुछ उपहार ले जाते, देवी देवताओं को नजराना मिलता, मात्र करोड़ भर की बात थी, इसमें कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं था। आज से पहले भी आचार संहिता में बहुत सारे दशहरे हुए हैं, अगला दशहरा भी आचार संहिता में होगा। आज से पहले जब हम चुनाव लड़े थे 2017 में या 2013 में, उस वक्त भी दशहरा जो आचार संहिता में हुआ तब तो जो है नजराना भी मिला, दैनिक भत्ता भी मिला। और ये सरकार क्या करने जा रही है? मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं मंडी मेरी है, मंडी शिवरात्रि का आप यात्रा भत्ता भी दे रहे हैं, दूरी भत्ता भी दे रहे हैं, आप नजराना भी दे रहे हैं। मंडी आपकी है तो कुल्लू क्या बेगाना हो गया आपके लिए? कुल्लू के देवलुओं के साथ आपने जो ये भद्दा मजाक किया है, कोई इलेक्शन के बाद की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुरंत सरकार, आज रविवार का दिन है, सोमवार को देवी देवताओं को नजराना मिलना चाहिए। इसमें क्या है, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये कोई मंत्रिमंडल का डिसीजन नहीं होना है, ये चली आ रही परंपरा है, और देवी देवताओं को ये पैसा तुरंत दिया जाना चाहिए। ये प्रलोभन कि हम इलेक्शनों के बाद देंगे, आप क्या हमारे कौन सा आप देवी देवताओं पर एहसान कर रहे हैं? नजराना एक भेंट स्वरूप दी जाने वाली सम्मान राशि है। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।